मेष राजे टीम, आपका पूरा ध्यान काम काज पर रहेगा। साथ के लोगों की खुशी में आप शामिल होंगे। खुद को जितना उदार रखेंगे उतनी ही आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे। अविवाहित लोगों को कोई विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। कोई दोस्त या बिजनेस का साथी पैसा कमाने का भी नया तरीका बता सकता है। माता पिता से दूर कहीं रहते हैं तो पैतृक निवास की यात्रा हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने की प्लानिंग भी बन सकती है। नेगेटिव, किसी काम की जिम्मेदारी जबरदस्ती अपने सिर पर लेने से आप परेशान हो सकते हैं। इससे आपका तनाव और बढ़ सकता है। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। इससे रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। काम की टेंशन रहेगी। कुछ मामलों में आपकी सोच और रवैया ज्यादा ही छोटा हो सकता है। सावधान रहे, यात्राओं में भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। किसी झंझट में फंसने के बाद आप कुछ ज्यादा ही उलझ सकते हैं। सावधान रहे, आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं। भाइयों का सहयोग ना मिलने से परेशानी होगी। क्या करें, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाएं। लव पार्टनर के शक का शिकार हो सकते हैं। मेष राशि के लोग बिल्कुल झूठ ना बोले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। करियर, आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। स्टूडेंट्स मेहनत से सफल होंगे। अधिकारियों या बड़े लोगों से मुलाकात होगी। काम नहीं बनने के कारण मूड ऑफ रहेगा। हेल्थ, पुराने रोगों से परेशान हो सकते हैं। सेहत के मामले में संभल कर रहे, खान पान में भी सावधानी रखें। वृषभ, जहां भी काम करते हैं और जो भी काम करते हैं वहां आपकी जरूरत महसूस होगी। एक्स्ट्रा बिजनेस और आमदनी की स्थिति बनेगी। आपके मन में रोमांस या प्रेम की भावना रहेगी। काम पर ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में कुछ जरूरी बदलाव हो सकते हैं। इनके कारण आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। नए मौके सामने आएंगे। दाम्पत्य और वाहन सुख भी मिलेगा। रूटीन काम समय पर पूरे होंगे, उनमें आपको सफलता भी मिल सकती है। नेगेटिव, कोई भी बड़ा काम बिना सोचे समझे ना करें। अपने विचारों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। आपके सामने कुछ कठिन परिस्थितियां भी आ सकती हैं। पैसों को लेकर टेंशन बढ़ सकता है। बिजनेस या नौकरी में काम ज्यादा रहेगा। आपको देर तक काम करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा मेहनत होगी। कुछ लोग आपकी एडवाइस से सहमत नहीं हैं, तो उनसे ज्यादा न उलझें। खास तौर पर पैसों के विवाद में जरा भी ना पड़े। क्या करें, चंदन का तिलक लगाएं। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज आप नया फैसला भी ले सकते हैं। पार्टनर के साथ दिल की बातें शेयर करेंगे। करियर, नौकरी और बिजनेस के खास मामले निपटाने के लिए नए लोगों से मिलेंगे और बातचीत होगी। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। हेल्थ, सेहत के मामले में बड़ी परेशानी नहीं होगी। उतार चढ़ाव जरूर बने रहेंगे। मिथुन, पॉजिटिव, नौकरी या बिजनेस में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। किसी करीबी इंसान की मदद से आपके काम पूरे हो जाएंगे। रिश्तों के मामलों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। चंद्रमा आज गोचर कुंडली के 6वें भाव में रहेगा। कामकाज के लिहाज से आप बहुत मेहनत करेंगे और उतने ही महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं। आज आप किसी काम को अलग ढंग से निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। अचानक या तुरंत निवेश करने के मामले आज आपके सामने आ सकते हैं। पैसों के मामले में पूरे दिन की प्लानिंग पहले से ही बनाकर रखें। नेगेटिव, परिवार के कुछ मामलों के कारण आपका ध्यान कामकाज से हट सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने के पहले हर बात पर ठीक से सोच विचार कर लें। छिटपुट विवाद की स्थिति भी बन सकती है। सावधान रहे, पुराने दुश्मनों से भी आपका सामना हो सकता है। वाहनों के उपयोग से आपको सावधान रहना होगा। कारोबार में कर्जा भी लेना पड़ सकता है। क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में सावधानी रखें। लव पार्टनर पर खर्चा ज्यादा हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन ठीक रहेगा। संबंध और मजबूत होंगे। करियर, बिजनेस और नौकरी में अनचाहे खर्चों से परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। सहयोग भी मिलेगा। हेल्थ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। जोड़ों का दर्द भी रहेगा।
कर ताजे टिवाप उतना ही पैसा निवेश करें जितना कर सकते हैं, अचानक फायदा हो सकता है। संचार के साधनों से आपको धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। गोचर कुंडली के पांचवें भाव का चंद्रमा आपके वादे पूरे करवा सकता है। दूसरों से आपने जो वादे किए हुए थे उनको पूरा करने में आधे से ज्यादा दिन बीत सकता है। आज आप दूसरों की जरूरतें और उनकी स्थितियां अच्छी तरह समझ सकेंगे। संतान से मदद मिलेगी, आपकी योजनाएं भी सफल हो सकती है। नेगेटिव लोगों की मीठी बातों में ना आए, थोड़ा कंफ्यूजन या हिचकिचाहट रहेगी। पार्टनर के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कामकाज में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। परेशानियां और व्यस्तता के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। दूसरों का गुस्सा अपने करीबी इंसान पर निकालने से आपका ही नुकसान हो सकता है। आप किसी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। बिना सोचे समझे बोलेंगे तो फंस सकते हैं। क्या करें, चॉकलेट खाएं और किसी गरीब बच्चे को भी खिलाएं? लवलव पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने दिल की बातें पार्टनर से शेयर करें। करियर ऑफिस में आलस्य के कारण नुकसान हो सकता है, सावधान रहे। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ आलस्य और थकान से परेशान रहेगी। नींद की कमी या ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो सकती है। सिंह पॉजिटिव, कोई नई योजना भी सामने आ सकती है जो आपके मौजूदा काम की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इस पर विचार करें, आप भाग्यशाली हो सकते हैं। अचानक कुछ निवेश करने की बात आपके दिमाग में आ सकती है, आज लिए कुछ फैसले सही रहेंगे। संतान की जरूरतों पर ध्यान देना होगा, नजदीकी रिश्तों में सुधार होगा। अपनी बात मनवाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। रोमांस के मामले में भी दिन अच्छा है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके कामों की तारीफ होगी, आपको संतुष्टि मिलेगी। परिवार के मामले निपटा लेंगे, खुश रहेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और बराबर रिस्पांस भी दें। नेगेटिव, कोई भी खास काम निपटाना है तो सावधान रहें। आज जहां तक हो सके जमीन जायदाद में निवेश करने से दूर ही रहें। बाजार जाते हैं तो आपको अपने खर्चे पर खास तौर से कंट्रोल करना होगा। क्या करें, पलंग के एक कोने पर हरा धागा बांध दें। लव दिमाग के बजाय दिल से व्यवहार करेंगे। पार्टनर से सहयोग और खुशी मिलेगी। मीन राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। करियर ऑफिस या फील्ड में आपके कामों की तारीफ होगी। स्टूडेंट्स को आज मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है, पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। हेल्थ, जोड़ों के दर्द से परेशान रहेंगे। कन्या, पॉजिटिव, सेविंग बढ़ सकती है। ऑफिस के कुछ लोग आपको बड़ी जिम्मेदारी के लिए उकसा सकते हैं, इससे आपको फायदा भी होगा। टैक्स, निवेश और उधार पैसा देने के मामले सामने आ सकते हैं। किसी योग्य और पेशेवर सलाहकार से कांटेक्ट हो सकता है। विपरीत लिंग के लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। किसी यात्रा की योजना भी आज बन सकती है। आप हर काम में हिम्मत रखें तो सफलता भी मिलेगी। नेगेटिव, कम बोलें और अपने राज उजागर ना होने दें। भाइयों के लिए पैसा खर्चा हो सकता है, पैसे खर्च करते समय सावधानी रखें। फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। परिवार से जुड़े किसी काम को लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है, बिना सोच विचार किए किसी मामले में ना पड़े। बातचीत में किसी से कहासुनी हो सकती है, फालतू गुस्सा ना करें, इससे खुद का भी नुकसान हो सकता है। क्या करें, माता जी के मंदिर में कपूर दान दें। लव लाइफ, आज आप कुछ ज्यादा ही असहनशील हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपको चुभ सकती हैं। रिश्तों में बदलाव के योग बन रहे हैं। करियर, आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत के बाद ही सफलता मिल सकती है। हेल्थ, कोई एलर्जी हो सकती है लेकिन धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। तुला, पॉजिटिव, काम काज में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे तो आपके काम पूरे हो सकते हैं। आपके सामने जो भी कठिनाई या परेशानी है वो थोड़े समय में खत्म हो जाएगी।
अपनी ताकत का सही उपयोग करने की कोशिश करेंगे, एकाग्रता रखें तो बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। पुराना कोई विवाद भी खत्म हो सकता है। वाणी से सोचे हुए काम पूरे होंगे। खुद को आगे करने और कोई फल करने के लिहाज से भी दिन अच्छा है। सफलता मिल सकती है। अपने लोगों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार खुद की जरूर सुन ले। बिजनेस में फायदा होगा। शेयर मार्केट और दलाली का काम करने वाले लोगों को भी फायदा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। व्हीकल खरीदने की योजना भी बन सकती है। नेगेटिव आज आप लगभग हर चीज को ज्यादा ही गंभीरता से ले सकते हैं। इस कारण फालतू तनाव या दबाव भी बढ़ सकता है। दूसरों को बिना मांगी सलाह ना दे। उन्हें कामकाज के बारे में जरा भी ना छेड़े। दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल देंगे तो कोई ना कोई झंझट खुद अपने लिए खड़ी कर सकते हैं। क्या ना करें, किसी से भी झूठा वादा ना करें। लव लाइफ आज आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय जीवन साथी के साथ बीते। छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दें। वाणी पर संयम रखें। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। करियर नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है। हेल्थ थकान और आलस्य के साथ मौसमी बीमारियां हो सकती है। वृश्चिक राशि, सोचे हुए काम पूरे होंगे। बिना प्लान किए कोई बड़ा काम भी जल्दी हो जाएगा। किस्मत का साथ मिलेगा। आपका ध्यान पैसों की व्यवस्था करने पर रहेगा। खरीदारी करेंगे, पैसे कमाने के भी मौके मिल सकते हैं। किसी पुरानी चीज की खरीदी या बिक्री हो सकती है। कुछ दोस्त अचानक मिल सकते हैं। आज आप खुश रहेंगे। दोस्त, प्रेमी, संतान, सभी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। दूसरों की जरूरतें और उनकी भावनाएं भी आज आप समझ सकते हैं। हर काम समय पर पूरे होने के योग बन रहे हैं। दुश्मनों पर जीत मिलेगी। परिवार का की मदद भी आज आपको मिल सकती है। नेगेटिव, जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें। आक्रामक होने से अच्छे मामले भी बिगड़ सकते हैं। धस और विवाद के योग बन रहे हैं। बने बनाए काम बिगड़ने के भी योग हैं। सावधान रहे, अनचाहे खर्चे हो सकते हैं। क्या ना करें, मोबाइल, इंटरनेट आदि संचार के साधनों पर खर्चा ना करें। लव लाइफ के लिए समय मिला जुला है। पुराने प्यार से भी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ सकता है। जीवन साथी से प्यार मिलेगा। करियर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। पदोन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश करते समय सावधानी रखें। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक है। सहयोग मिलेगा, आगे भी बढ़ेंगे। हेल्थ, आपकी सेहत के लिए दिन ठीक नहीं है। पेट या कमर में परेशानी हो सकती है। धनु, पॉजिटिव ऑफिस या फील्ड में आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। कुछ लोग आपकी बात मानेंगे, पूरे जोश से काम करेंगे। किसी रचनात्मक काम में संतान का भी साथ मिल सकता है। आक्रामकता को काबू में रखें तो ज्यादातर लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। अचानक आपसे कोई मिलने आ सकता है। रहस्यपूर्ण मामलों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा। नेगेटिव, बिना सोचे समझे कोई काम ना करें तो ही अच्छा है। दिन भर होने वाली कुछ घटनाओं से आप परेशान हो सकते हैं। आप थोड़े बेचैन भी रहेंगे। प्रेमी, जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य से आपकी अनबन हो सकती है। रिश्तों के मामलों में आपके व्यवहार में कुछ ज्यादा ही अकड़ हो सकती है। आज आप साथ के किसी व्यक्ति को भी नाराज कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। किसी खास काम से यात्रा हो सकती है। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। क्या करें, घर या ऑफिस की टेबल पर वन फूल रखें। लव लाइफ, जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। कहीं घूमने जाने का मन हो तो जरूर जाएं। करियर बिजनेस के लिए दिन ठीक है। ऑफिस में किसी से विवाद ना करें। निचले स्तर के कर्मचारियों से मदद मिल सकती है। स्टूडेंट्स करियर में आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ, चोट लगने की संभावना है। खाने पीने पर कंट्रोल करें। मकर, पॉजिटिव, आप अपनी योग्यता का पूरा फायदा उठा सकते हैं।
किसी से मदद चाहिए तो मिल सकती है। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शुभ है। धन लाभ हो सकता है। खुद के ही दम पर सफलता मिल सकती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह ना करें। सौदेबाजी और पैसों के मामलों में आप दूसरों के इरादे पहले ही जान जाएंगे। दोस्तों की मदद से किसी फायदेमंद काम में आपको सफलता मिल सकती है। जरूरी और खास मामलों पर फैसले भविष्य के लिए छोड़ दें। आपके काम भी पूरे हो जाएंगे। गंभीर योजना बनाने के लिए समय सही है। परिवार और दोस्त आपके साथ रहेंगे। नेगेटिव आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कुछ अनचाही बातें और घटनाएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आप पर जिम्मेदारियों का बोझ भी रहेगा। अचानक कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। क्या करें? मंदिर में सिंदूर या कुमकुम दान दें। लवलव प्रपोजल के मामले में सफलता मिलेगी। पार्टनर आपकी मदद करेगा। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। करियर पैसों से जुड़े रुके हुए काम शुरू हो सकते हैं। फायदा भी होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य है। हेल्थ मुंह के रोग हो सकते हैं। ज्यादा गर्म या ठंडा खाना ना खाएं। कुंभ पॉजिटिव निवेश, खरीदी बिक्री और जमीन जायदाद के लिहाज से दिन अच्छा है। कुंभ राशि वाले लोगों को फायदा हो सकता है। आज आप खुद में बदलाव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। किसी खास मामले में आप काफी उत्साहित रहेंगे। अपने काम और करियर पर ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर को भी मजबूती मिलेगी। बातचीत से उलझे हुए मामलों का समाधान निकल जाएगा। परिवार और दोस्तों में से कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं। आप उनकी पूरी मदद भी करेंगे। अपोजिट जेंडर वाले लोग आपके फेवर में रहेंगे। नेगेटिव, जो लोग आपके लिए खास हैं, वे आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं। सावधानी ना रखी तो किसी दोस्त से अनबन भी हो सकती है। परिवार में वैचारिक मतभेद होने के योग हैं। क्या करें? पपीता खाएं। लव पार्टनर से वैचारिक मतभेद होने के योग बन रहे हैं। सोच समझ कर मजाक करें। बोलने में ध्यान दें। संयम रखें। करियर रुके हुए काम पूरे होंगे। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स को तनाव तो रहेगा लेकिन सफलता भी मिलेगी। हेल्थ सेहत को लेकर सावधान रहे। थकान और नींद की कमी से परेशान हो सकते हैं। मीन पॉजिटिव, आपकी राशि के लिए चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। आज आपको किए गए कामों का पूरा फल मिलेगा। आपका मन बहुत सक्रिय रहेगा। आपको भविष्य से जुड़े कुछ अच्छे इशारे मिल सकते हैं। कॉन्फिडेंस से किए गए काम पूरे हो सकते हैं। जरूरी कामों के लिए खुद को समय दें। जिम्मेदारी के कामों पर भी पूरा ध्यान दें। करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छा दिन है। आपके संबंध मजबूत बनेंगे। उत्साह रहेगा। पैसों के मामले में चली आ रही रुकावटें खत्म हो सकती हैं। अटके हुए काम भी पूरे होंगे। नेगेटिव, आपका मूड थोड़ा आक्रामक हो सकता है। आसपास के लोगों से उलझ सकते हैं। सावधान रहे। कुछ लोग आपके काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप विचारों में उलझते हुए काम में कुछ ज्यादा ही फंस सकते हैं। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। बॉस या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आपको परेशान कर सकता है। वर्क प्लेस पर मामूली समस्या रहेगी। क्या करें? सीट कवर, बेडशीट और टेबल क्लॉथ चेंज करें। लव लाइफ, पार्टनर के साथ शांति और तालमेल बैठाने की कोशिश करें। पार्टनर आपकी और अट्रैक्ट होगा। करियर, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। सफलता के लिए ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ सेहत के मामले में सावधान रहे। वीकनेस महसूस होगी।